ग्राम पंचायत पढ़ लेना भाई अच्छे से, है ना। ग्राम पंचायत बनेगा ना तो जनपद अपने आप बन जाएगा, जिला अपने आप बन जाएगा, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अभी आप लोग देखते चलना, सारा चीज याद आता चलेगा। इसलिए ग्राम पंचायत को जितना मैं पढ़ा है उतना अगर अच्छे से याद है तो फिर इधर कोई दिक्कत नहीं होगा, और वो याद नहीं है तो इधर फिर दिक्कत होने लगेगा। लगभग अब मिलता जुलता सब मिलेगा, आप देखो खुद बताते जाओगे। ठीक है ठीक है, चलो देखते चलते हैं। सबसे पहले जनपद पंचायत का गठन देख लेते हैं। प्रत्येक कितने हजार जनसंख्या पर जनपद पंचायत बनेगा। ठीक है, अब देखो सारी चीजें अब इधर आसान होते चलेगा, जितना टफ पार्ट था आप लोग निकाल लियो अब। ठीक है, अब देखते चलते बहुत सारी चीजें अब रिपीट भी होते चलेगी। जनपद पंचायत प्रति 50,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत बनेगा। ठीक है, और इस जनपद पंचायत के अंतर कौन रहेंगे? जनपद पंचायत के सदस्य रहेंगे ना। जनपद पंचायत का गठन कैसे होता है भाई, कौन बताएगा? जनपद पंचायत के सदस्य रहेंगे क्या, जो निर्वाचित सदस्य हैं, प्लस विधायक जिसका क्षेत्र, उस क्षेत्र में आने वाले विधायक जिसका क्षेत्र पूर्णता या अंशता ग्रामीण क्षेत्र में आता हो, प्लस 1/5 सरपंच, याद आ रहा होगा, और 1/5 सरपंच का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए। ये अपन पूरा सारा चीज पढ़ चुके थे, याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, याद रखना है। तो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य एक जनपद पंचायत क्षेत्र प्रति 5,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत क्षेत्र होता था। सारा चीज पढ़ लिए थे, याद आ रहा होगा, याद आ रहा है। अब सारी चीजें वही आती जाएगी, देखते जाओ। एक प्रति 5,000 जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत क्षेत्र, और इस एक जनपद पंचायत क्षेत्र में कौन रहेगा? एक निर्वाचित सदस्य जनपद पंचायत सदस्य कहलाएगा। ठीक है, उस जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाले सरपंच का 1/5 हर एक साल के लिए, पहले 5, 1/5 जो भी है, फिर उसके बाद चलते जाएगा। अपन ये सारा चीज पढ़ लिए पहले भी, याद आ रहा है। फिर चलेंगे जनपद पंचायत की संरचना। देखो सारी चीजें अब रिपीट होते चलेगी, अब इधर आपको आसान लगेगा, जो पहले पढ़ा है ना उसको आसान लगेगा, जो नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा टफ लगेगा। जनपद पंचायत की संरचना मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी यहां हम सिर्फ और सिर्फ जनपद पंचायत के प्रतिनिधि देख लेते हैं। तो जनपद पंचायत के प्रतिनिधि में सबसे पहले कौन होगा? जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा, ठीक है। फिर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होगा, और एक कौन होगा? जनपद पंचायत सदस्य होगा। याद आ रहा है, लिखते चलिए। ठीक है, फिर जनपद पंचायत के
निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन, कौन करता है? पीछे देखो, पीछे पहले लिख चुके हो। देखो लिखे होगे पहले, राज्य सरकार लिखे हो ना। लिखो उसको, निर्वाचन जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन। राज्य सरकार, ग्राम पंचायत में कौन? कलेक्टर, है ना, याद आ रहा है? निर्वाचन क्षेत्र जो जनपद पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बनेगा प्रत्येक पांच हजार जनसंख्या पर, सब देखो रिपीट हो रहा है, जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र है कि नहीं? जनपद पंचायत में न्यूनतम जनपद पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या, और अधिकतम याद आ रहा है? ग्राम पंचायत में 10 और 20, ठीक याद रहेगा? नोट करके एक चीज लिख लेना है, पहले भी बताया हूं, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, हाँ, यदि किसी राज्य की जनसंख्या जो है 20 लाख से कम है, ठीक, तो क्या होगा? वहां जनपद पंचायत बनाया जाना आवश्यक नहीं है। लिख लीजिए इसको, ये पहले दिन पढ़े थे, याद करिए, वहां जनपद पंचायत बनाया जाना आवश्यक नहीं है, ठीक है, याद रहेगा? नेक्स्ट देखते हैं, जनपद पंचायत में निर्वाचन, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे में अगर आप लोग बोलोगे कि तीनों को कंपैरिजन करके बताना सर, तो फिर से और भी बता दूंगा, ठीक है, आप लोग को लगेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। वैसे मैं बीच बीच में जहां आवश्यकता है वहां टेबल बनवा दिया हूं आप लोग को कंपैरिजन करते हुए, है ना? जनपद पंचायत के निर्वाचन में आप लोग मेरे को बताइए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होगा? केवल और केवल जनपद पंचायत के सदस्यों का, है कि नहीं? और अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका किसका? अपन पहले दिन पढ़े थे, याद करिए, किन किन लोग दो पद धारण करते हैं? तो एक तो उप सरपंच आएगा ग्राम पंचायत में, जो पंच भी रहेगा, और वही पंच क्या बनेगा? उप सरपंच। उसी प्रकार से जो सदस्य हैं उन्हीं लोग क्या बनेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये आपके दो अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, नोट करके आप लोग लिख लीजिए, पहले भी लिख चुके हो वैसे, कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करती है। आप लोग मेरे को याद दिलाइएगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को मेरे को अलग से पढ़ाना है, ठीक है? ठीक है, यस सर।
याद रखना। चलो आगे। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक बनेगा। चले आगे। अब हम देखते हैं कि जनपद पंचायत में आरक्षण। सेम टू सेम जैसा होता है कहां, सेम टू सेम आरक्षण होगा कहां, जनपद पंचायत में। पहले थोड़ा समझेंगे फिर आप लोग लिखोगे। एक बच्ची बोल रही थी कि मेरे को आरक्षण समझ नहीं आया, तो मैं फिर से समझा देता हूं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आरक्षण को समझ लीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो फिर पहले इधर ध्यान दो, लिखना मत अभी, मैं लिखवाऊंगा उस तरीके से लिखना। आरक्षण हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले कैसे क्या आरक्षण पढ़े, जो भी सब। अगर ग्राम पंचायत, मैं यहां ग्राम पंचायत का भी बता देता हूं। ठीक है, यही अपन ग्राम पंचायत का, जिसको समझ नहीं आया था उस यहां ग्राम पंचायत भी समझ लेना, जनपद पंचायत भी बता दूंगा और यही जिला पंचायत भी समझ जाना। सबका सेम होगा। ठीक है, जनपद पंचायत और सेम किसका होगा, सेम टू सेम, तो अलग से पढ़ने की लोग को जरूरत नहीं है, पर भी यहां देख लेते हैं एक ही चीज बस अंतर होगा, क्या क्या चीज अंतर होगा यहां देख लेते हैं। ठीक है, तीनों आपको यही समझ में आ जाएगा, तीनों का आरक्षण। पहले ग्राम पंचायत को समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत में मैं आपको ये बताया था कि ग्राम पंचायत में जो आरक्षण होगा, ठीक है, दो आधार पर होता है, बताया था, एक तो वर्ग के आधार पर और दूसरा लिंग के आधार पर। पहले समझ लो फिर लिखना है ना। अभी वर्ग के आधार पर होता है और दूसरा लिंग के आधार पर, आपको बताया था। वर्ग के आधार पर तो एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण है, एसटी एससी ओबीसी को आरक्षण है, और लिंग के आधार पर महिलाओं को आरक्षण है। अब ये जिसको समझ नहीं आया वापस से समझा रहा हूं, व्यवस्थित रूप से कोशिश करना समझने का। ठीक है, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आया था, आज समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग वर्ग के आधार पर देखे थे कि वर्ग के आधार पर आरक्षण होगा और वो होगा जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। और वो जो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होगा वो एसटी और एससी के लिए ही है, एसटी और ओबीसी के लिए नहीं है, याद रखना। ध्यान से समझना ना इसको, ये नहीं समझ में आता है कई लोग को। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, समझ में आ रहा है कि नहीं बताना। एसटी एससी को आरक्षण किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक, किसके आधार पर मिलेगा? जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। ठीक, यदि किसी क्षेत्र में एसटी एससी की जनसंख्या 50% से कम है तो वहां 25% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। ये भी अपन पढ़े थे, ये दो चीजें पढ़े थे, याद आ रहा है? जिन लोग उस क्लास में रहे होंगे तो पता होगा। ठीक है, ओबीसी को आरक्षण कितना मिलेगा जब इसका एसटी एससी की जनसंख्या 50% से कम हो, तब किसको मिलेगा और कितना परसेंट मिलेगा? ये आरक्षण किस पर डिपेंड कर रहा है? इसके जनसंख्या पर, एसटी एससी के जनसंख्या पर। ठीक है, समझ आ रहा है? महिलाओं को आरक्षण कितना है कि 50% आरक्षण है। यही एक नोट करके और एक चीज समझ लीजिए, भारत के जो संविधान है, क्या महिलाओं को पंचायत में 33% आरक्षण की बात करता है? कितना परसेंट? यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण है तो 33% पंचायतों में आरक्षण है, लेकिन छत्तीसगढ़ कितना परसेंट दे रहा है? छत्तीसगढ़ 50% आरक्षण दे रहा है।
ज्यादा ही दे रहा है, और ऐसा करने वाला भारत का यह दूसरा राज्य है। भारत का पहला राज्य बिहार है जो 50% आरक्षण देता है, 33 से ज्यादा आरक्षण दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन महिलाओं का आरक्षण 33 का ही है, 1/3, लेकिन हम लोग क्या दे रहे हैं, 1/2। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, पहला कौन सा है? अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये समझ आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा इसको, ठीक है। देखो मान लो किसी एक ग्राम पंचायत, इधर एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि आप आरक्षण किसी को, मेरे को नहीं लगता आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत लोग को नहीं आया है। मान लो किसी ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है, एक ग्राम पंचायत में मिनिमम कितनी जनसंख्या, 1000 होना चाहिए ना जी। तो मान लो किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या में 2000 मान लेता हूं, बड़ा गांव मान लेते हैं, कितना, ठीक है, ग्राम पंचायत की जनसंख्या। एक वार्ड के लिए न्यूनतम जनसंख्या बताओ, बताया हूं, एक वार्ड के लिए न्यूनतम जनसंख्या, तो कितने वार्ड होंगे यहाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो मैं पहले अच्छे से समझा चुका हूँ, मेरे ख्याल से वार्ड वगैरह में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ कितने वार्ड हो गए? अब इस वार्ड में आरक्षण होना है, ठीक है ना, किसमें आरक्षण होना है, वार्ड में आरक्षण होना है। अब ये 20 सीट कैसे डिवाइड होगा एसटी एससी ओबीसी में, इसको समझना है, ठीक, समझ आ रहे ना। अब ये 2000 की जनसंख्या में मान करके चलो, इस 2000 की जनसंख्या में हम ये मान लेते हैं कि मान लो 30% लोग क्या है भाई, एसटी है, कितने, ठीक ठीक है, 10% लोग भाई क्या है, एससी है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो क्या जनसंख्या 50% से अधिक हुआ कि इनका नहीं हुआ है, तब का कंडीशन समझते हैं, समझ आ रहा है। पहले हम लोग नहीं हुआ है तब समझेंगे, तो ऑटोमेटिक है तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना एस टी एस सी का पॉपुलेशन हुआ, 40%, समझ आ रहा है। मान करके चलिए, चलते हैं यहाँ 40% क्या है भैया, ओबीसी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, और बाकी बचे कितने, 40 40, 20% क्या हो गया, सामान्य जाति के लोग, तिवारी और शर्मा जी लोग हैं, शुक्ला इस टाइप का, ठीक है, तो जनरल वाले हैं, तो 100% हो गए, ठीक है, हुए कि नहीं गांव में। अब 20 वार्ड है ना, अब 20 वार्ड में हमको कैसे करना है भैया, आप देखो ध्यान से सुनते चलना, 20 वार्ड है, ठीक, क्या बोला है पहला कंडीशन, एसटी एससी को उसके आरक्षण मिलेगा, तो एसटी कितना है भाई, 20 × 30/100, 80% निकालते हो क्या, कितना सीट, 20 में से 6 किसको गया, समझ आया कि नहीं, 20 में से कितना भैया, ऐसे निकालते हो क्या परसेंट, 2 सीट किसको गया भैया। जब एस टी एस सी की जनसंख्या क्या, तब बारी आएगा ओबीसी को, अब बताओ ओबीसी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, यही तो बेवकूफी है, सुनो सुनो, 25% आरक्षण मिलेगा, हाँ, लेकिन किस बेस पे मिलेगा, ये ध्यान, ये कभी मत देखना कि 40% आरक्षण नहीं मिलेगा उनको, समझ आ रहा है ना। ये कितना भी हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, इनके जनसंख्या के आधार पर इसको आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को, ओबीसी का फिक्स है कितना मिलेगा उसको, 25 मिलेगा, मतलब 25, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। ये मत बोल देना कि 40% आरक्षण मिलेगा उसको, समझ आ रहा है कि नहीं, 40 क्यों नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहाँ लिखा है कि ओबीसी को केवल और केवल कितना मिलेगा, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो, मान लो 80% भी होगा तो भी उसको कितना ही मिलेगा, 25% तो उसको आरक्षण मिलेगा। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है? तो कितना है भैया, 20 का 25 कितना हो गया, ठीक है, 25 × 100, 4 × 5, 5 सीट किसको मिल गया, समझ आया? बाकी बचा कितना, 5 × 2 = 7, 6, बाकी बचा कितना, किसको मिल जाएगा, ये समझ आया कि नहीं? समझ आया? मान करके चलो, अच्छा ये भी हमेशा ध्यान देना है, 30 + 40 कितना हुआ, 30 + 10 = 40, और 40 + 25 = 65। कभी भी टोटल आरक्षण 75% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। समझ आ रहा है ना, हमेशा ये भी ध्यान रखना कि अभी ये 75 से कम है तो हमेशा ध्यान रखना कि 75% से ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, ठीक, वो भी एक ध्यान रखते हैं। ये समझ में आया? मान करके चलो अब दूसरा कंडीशन लेके चलते हैं कि मान करके चलो अब ST SC, ये ST 40 है और ये 20 है, 40 है और ये, या ये 30 है और ये 30 है, ले लो तो ये इसका कुछ, इसको मिलेगा क्या, ओबीसी को कुछ भी मिलेगा क्या, ओबीसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इसका कितना था, 30, तो इसको भी कितना मिल जाएगा, 6 × 6 = 12, बचा कितना, 8, किसको मिल जाएगा, जनरल का मतलब क्या है, नहीं कोई भी आ सकता है, जनरल का मतलब ये नहीं है कि उस सीट में केवल और केवल तिवारी जी लड़ेंगे, उसमें कोई भी लड़ सकता है। अनारक्षित का मतलब यह है कि कोई भी, डिप्टी कलेक्टर का 2 पोस्ट अनारक्षित है, मतलब कोई भी उसमें आ करके उसके लिए दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन अगर ST सीट के लिए आरक्षित हो तो केवल और केवल, समझ आया कि जनरल का मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें तिवारी जी और शर्मा जी लोग खड़े, उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये समझ आया कि नहीं आरक्षण, अब समझ आया, ठीक है, समझ आ रहा है ना? अच्छा दूसरा क्या है भैया, लिंग के आधार पर आरक्षण है, लिंग के आधार पर कितना आरक्षण दिया है, 50%। अब हाँ सेवेंट, हाँ देख लेते हैं उसको भी, देख लेते हैं 75 होगा तो भी 75 से कम लेंगे उसमें। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, कलेक्टर साहब के ऊपर कि वो कितना सीट देता है, कितना सीट क्या है, हाँ वो डिवाइड करेंगे तीनों में नहीं। अगर यार अगर ये, हाँ अगर मान करके चलो इसका जनसंख्या जैसे यहां मान करके चलो 50 है 60 है, तो उस तरीके से 75% से लेकिन ज्यादा आरक्षण वैसे भी नहीं होता है, इसीलिए तो इसको 25 ही करके रखे, नहीं तो इसको भी जनसंख्या के आधार पर किया जा सकता था, इसीलिए सोच समझ के किया गया है सारी चीजें। समझ आ रहा है ना? अब देखो महिलाओं को कितना होना चाहिए, 50, ST कितना है, 6 टोटल है, 6 × 3 में क्या होगी, इसमें 2 या 3 कलेक्टर साहब डिसाइड करेंगे, ठीक है 2 या 3, मान लो 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें कितना, 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो टोटल कितना, 20 × 10 हुआ कि नहीं, 4 × 3 = 7, 1 ज्यादा हो गया, ठीक है, इसको 3 करना पड़ेगा, तो 3 × 3 = 6 × 3 = 9 = 10, तो ये 20 सीट में 10 सीट कितना हो गया, महिलाओं। समझ आए इसमें? अच्छा ये 3 में केवल और केवल महिला, बाकी में पुरुष आएंगे जरूरी नहीं है, 6 में महिला आ सकती है, पुरुष के लिए कोई आरक्षण नहीं है। समझ आया कि नहीं आया? ये 6 आना है, ST की 6 का 6 आना है, ST में से 50% महिला होनी ही चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि बाकी जो बचा है उसमें पूरा 6 × 6 भले महिला आ जाए चलेगा, लेकिन 6 × 6 पुरुष नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? महिलाओं को आरक्षण है, पुरुषों को कोई आरक्षण नहीं है। समझ आया कि लिखा है उनके कहीं पुरुष को आरक्षण है, वैसे में तो 50% पुरुष आरक्षण हो गया, 50 महिला 50 पुरुष नहीं हो जाएगा, कहीं लिखा है क्या?
समझ आ रहा है रुचि? इसमें छह पूरा पूरम भले बीसों बीसों महिला आ जाए चलेगा, लेकिन पुरुष नहीं आने चाहिए। समझ आ रहा है? ये समझ आया कि नहीं? अब देखो सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है पिक्चर, बच्चा है अभी। अभी अपन ये भी देखे थे कि ये जो आरक्षण है, मैं आपको बताया था चक्रानुक्रम में होगा। देखो जो वहां लिखे हो, वहां देखो, देखो ना जी, ग्राम पंचायत लिखे वहां आरक्षण में, चक्रानुक्रम में होगा और प्रति 10 साल के लिए बुलाऊं बुलाऊं। देखो ना जी, पढ़ोगे तब तो जानोगे उसको। अभी देखते जाओ, अभी आरक्षण, अभी आरक्षण अब समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अलग से समझा रहा हूं इसको। मिला? खोजने आधा घंटे लग जा रहा है। कहाँ लिखा है कभी? कहाँ जानोगे? वो पढ़ोगे तब जानोगे। पढ़ने वाला आदमी पता रहता चार पन्ने बाद है करके, वो आगे पीछे 10 बार पलट गया, मिल ही नहीं रहा है। चलो इधर ध्यान दो, क्या लिखा है? लिखा है पढ़ो यार उसको, जिसको मिल गया वो पढ़ो। अरे पढ़ो ना, चक्रानुक्रम को पढ़ो ना, पूरा आरक्षण को पढ़ो ना। पढ़ो क्या नाम है? खुशी? हाँ लॉटरी पद्धति के द्वारा बोला है कि नहीं? क्या बोला है? लॉटरी पद्धति के द्वारा क्या बोला है? चक्रानुक्रम में होगा, ठीक है। और दो पंचवर्षीय कार्यकाल मतलब 10 साल। हाँ फिर 5 10 वर्ष ठीक है, 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखा है ना। चलो अब इसको समझते हैं, इसको भी नहीं समझे वो उस दिन। 5 प्लस 5 ये क्या स्कीम है 5 प्लस 5 का? चलो इधर समझ लेते हैं, इधर समझो नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब देखो आप लोग मेरे से कोई ये नहीं पूछे कि सर ठीक है 20 वार्ड में से सर 10 वार्ड तो आपने 20 में से 20 वार्ड को तो बांट दिया सर, ठीक है, पर आपने ये नहीं बताया कि कौन से वार्ड को एसटी और कौन से वार्ड को एससी और कौन से को सामान्य रखेंगे। नहीं समझे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं? कि 6 ठुक को एसटी रखोगे ठीक है भैया, लेकिन कौन से 6 ठुक को रखोगे? सब जगह मान लो बराबर हो गए तो नहीं, सुन लो अब उसी 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 सुन लो, सुन लो, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये चीजें लिखी गई है। समझ आ रहा है? क्या होगा, कलेक्टर साहब क्या करेंगे? अब यहां रोल आएगा किसका? सुनो सुनो, बात मत करो नहीं तो दिक्कत होगा, फिर कल पूछोगे आप मेरे को, दोबारा नहीं बताऊंगा इसको। यहां तक समझ आया कि नहीं? अब 20 वार्ड है, 20 में से हमको 6 ठोक को बनाना है क्या? हमने क्या किया, सबसे पहले जनसंख्या निकाले हैं, जनसंख्या हमने पूरा ग्राम पंचायत का निकाला है, न कि किसी पर्टिकुलर वार्ड का। जिस तरीके से आप बोल रहे हो वार्ड में ज्यादा लोग रहेंगे, निकाले च नहीं हो अभी तो। हमने पूरा ग्राम पंचायत का जनसंख्या देखा, उसमें से 30% लगा हमको एसटी है, 10 एससी है, बाकी 40 ओबीसी और बाकी जनरल है। तो इस हिसाब से हमने 6 और ये आपका 2 5 और 7 इस तरीके से डिवाइड किया। समझ आ रहा है ना जी? मान लो वो जो 30% में से 10 10% वो अलग अलग सब वार्ड में रह रहे होंगे, तो कोई 2% रह रहा हो, कोई 4% रह रहा हो, कैसे कैसे कर दो? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है? तो वार्ड की जनसंख्या नहीं निकाले हम, क्या निकाले हैं? ग्राम पंचायत की जनसंख्या निकाले हैं, ठीक। कलेक्टर साहब क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इस बॉक्स में क्या करेंगे, 20 के 20 जो वार्ड है पर्ची लिखा रहेगा, उसमें 6 ठोक का पर्ची में क्या लिखा रहेगा? समझ आया? 6 ठोक के पर्ची में एसटी,
छह दो ठोक पर्ची में, पांच ठोक पर्ची में, बाकी 60 ठोक पर्ची में। समझ आ रहा है? चलो तो जिसके में जो आ गया वो वार्ड, उसमें लिखा रहेगा वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर दो, वार्ड नंबर तीन, ऐसा। समझ आ रहा है? मतलब हर एक वार्ड का एक एक आदमी खड़ा रहेगा, समझ लो। हर एक वार्ड के एक एक आदमी बोलेंगे, चल भी आते निकाल ले। हाँ तोर में का यार, हाँ मेरे में तो एस टी आया। क्या गया? एस टी आ गया या एस सी आ गया। अब एक कंडीशन और आएगा यहाँ पर, ठीक है? अब ये समझ में आया जी? देखो हर एक वार्ड में से 20 वार्ड है जी, हर एक वार्ड में से एक आदमी बुला लिए, ठीक है? कलेक्टर साहब बोले मेरे ऑफिस में आना जी, 20 जन आ जाना, एक एक वार्ड का आदमी। तुम ही लोग निकालो भैया बोलेंगे, वो खुद नहीं निकालेंगे, वो कल के डेट मेरे ऊपर इंजाम लगा दोगे। तो बोले निकालो जिसके में जो, हाँ तेरे में क्या है भाई, कौन सा नंबर वार्ड वाला है? मैं 3 नंबर का हूँ। क्या है? तेरे में एसटी आया, ठीक। वो क्या हो गया? आरक्षण हो जाएगा। अब देखो पहले इसको समझ लेते हैं, ये समझ में आया? इसको इसी जो सिस्टम को लाट पद्धति बोलते हैं, लॉटरी पद्धति। लॉटरी निकलता है, सुनियो ना, वही वाला है, ठीक है? ये लॉटरी समझ में आया? हर एक वार्ड का एक एक आदमी आंख निकाल लिया है। अच्छा मान करके चलो वार्ड नंबर एक में क्या मिल गया उसको, तो वाला सीट क्या हो जाएगा? आज से 5 साल के लिए क्या हो गया वो सीट वार्ड नंबर एक एसटी के लिए रिजर्व। समझ आया कि नहीं? किसके लिए रिजर्व? वार्ड नंबर एक वाले आदमी को मिल गया एसटी, ठीक है ना? तो वो सीट क्या हो गया 5 साल के लिए? एसटी का ही आदमी खड़ा होगा उसमें, ठीक है ना? जो पंच रहेगा वो। अब अगला 5 साल क्या होगा? फिर चुनाव होना है, फिर आरक्षण होना है। तो उस समय वो जो एक नंबर वार्ड वाला जो है, ठीक है, उसके जो पर्ची में, अब उसको अलग से बुलाएंगे, अब उसके पर्ची में एसटी ना होकर के एससी और ओबीसी और जनरल रहेगा सामान्य, ये एसटी नहीं रहेगा। इसी को बोलते हैं चक्रानुक्रम। पहले एसटी आया, फिर क्या हुआ? एससी ओबीसी जनरल में से कोई एक, फिर अगला 5 साल। लेकिन ये आरक्षण रहेगा, लेकिन ये बस नहीं रहेगा उसमें। समझ आ रहा है ना? अब उनको अलग अलग बुलाएंगे, अगली बार जब बुलाएंगे तब अलग अलग बुलाएंगे। हाँ 4 ठो है भैया, एसटी वाला नहीं रहेगा, 3 ठो पर्ची रहेगा। हाँ निकाल भैया, वो एक नंबर वार्ड वाला कहते हैं, हाँ बोले चलो एसटी था क्या, हाँ चलो निकालो। तो जनरल आ गया, तो जनरल आ गया मतलब कोई भी लड़ सकता है, लेकिन एसटी छोड़ देना है, वो एसटी नहीं रहेगा, तब तो दूसरे को मौका मिलेगा। अब मान करके चलो फिर अगला आना है, नहीं ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए था, 10 साल हो गया, फिर से अब फिर कोई भी आ सकता है, एसटी एससी ओबीसी जनरल कोई भी आ सकता है, फिर शुरू शुरू होगा, फिर वो अगला 10 साल चलेगा। समझ आया कि नहीं? जनरल का मतलब कोई भी लड़ सकता है, ठीक है ना? समझ आया कि नहीं? चक्रानुक्रम, चक्र कैसे चलेगा? अगर एसटी आ गया या एससी आ गया होगा, एससी आ गया होगा तो अगली बार में एससी नहीं रहेगा, ओबीसी आया होगा तो अगली बार में ओबीसी नहीं रहेगा, आरक्षण रहेगा। समझ आ रहा है? लेकिन एसटी एससी और ओबीसी, ये पहली बार में एसटी आ गया था तो दूसरे बार के लॉट में तीनों में से एक तो जनरल आएगा, मतलब कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, ठीक है? जन सामान्य वाला भी लड़ सकता है और ओबीसी और एससी वाला भी लड़ सकता है, लेकिन एसटी वाला नहीं रहेगा। ये चक्रानुक्रम है, इसी को चक्रानुक्रम बोलते हैं। समझ आ रहा है? और ये 5 साल प्लस 5 साल 10 साल हो गया ना, 5+5 का स्कीम ये है। बना नहीं बना? बन जाएगा। लॉट पद्धति समझ में आया? पहली बार में लॉटरी निकाल लिए, ठीक है, दूसरी बार में लॉटरी निकल रहे हैं, लेकिन उस बार में इंडिविजुअल बुला रहे हैं, ठीक। फिर अगली बार होगा तो फिर ये वाला सिस्टम चलेगा, फिर अगले 5 साल में फिर वाला सिस्टम चलेगा इंडिविजुअल, और ये सब कलेक्टर साहब करेंगे। ये पूरा समझ में आया सिस्टम, महिलाओं को आरक्षण और ये सारा चीज कैसे क्या? महिलाओं के लिए भी पर्ची निकलेगी?
हाँ, उस सब पर्ची वाला सिस्टम रहेगा, सब ये सब लॉटरी पद्धति रहेगा इसमें। महिला है तो कौन में महिला है भैया, सब में लॉटरी पद्धति रहेगा। ये सब पूरा अलग-अलग फिर से पूछो क्या बोले। कोई भी व्यक्ति 20 वार्ड है, 20 वार्ड का कोई भी 20 लोग आएंगे, कोई भी व्यक्ति आएगा, लॉटरी है, लॉटरी लिख बॉक्स में रहेगा। जैसे मान लो अब हम पूरे गांव के लोग हैं, ठीक है, गांव के लोग में 20 लोग, हम 20 वार्ड है, तो गांव में से कोई भी एक एक वार्ड का 20 लोग आ गए ऑफिस में पहुंच गए, हाँ चलो भाई आज लॉटरी निकालना है, तो अपना अपना पर्ची चुनेंगे, अपना पर्ची आपके पर्ची मान लो सामान्य आ गया, तो उस वार्ड में कौन लड़ेगा, कोई भी लड़ सकता है। ST आ गया तो केवल ST, SC आ गया तो क्यों, वो नहीं, कोई भी व्यक्ति आकर के बोल रहा हो तो वो क्यों लड़ेगा, वो तो है ही नहीं, अभी तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है ना भैया, अभी तो डिसाइड ही नहीं हुआ है, अभी तो आरक्षण चल रहा है, अभी सिर्फ आरक्षण डिसाइड हो रहा है, उसके बाद हाँ इसके बाद क्या होगा, जैसे कि अब वहां पर्ची निकल गया कि ST, तो वहां ST के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग कितने लोग खड़े हो रहे हैं वो बात का बात है, वो फिर उन लोग 4 में से 1 को फिर वो वोटिंग मिलेगा, ऐसा है, कोई और उस सीट में खड़ा नहीं हो सकता, सामान्य है तो कोई भी खड़ा हो जाओ रे, इस टाइप का। ये समझ में आया? अब एक चीज और समझना है आपको, यहां तक समझ आया कि नहीं? हाँ, और पूछ सकते हो कुछ भी डाउट है तो, आरक्षण से डाउट नहीं होना चाहिए अब, ठीक है, ये हुआ नहीं आया समझ? हाँ चलो, ये वाला भी एक कंडीशन अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो नहीं है, पर उससे एक चीज अच्छा चीज याद आ गया कि मान लो जैसे कि उस वार्ड में, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया, ठीक किया है, जैसे कि मान लो कि पर्ची उठाए, कोई एक व्यक्ति आया और पर्ची उठाया और उसमें निकल गया क्या, ST, लेकिन यदि उसके वार्ड में कोई भी एक भी व्यक्ति ST नहीं है, OBC नहीं है या SC नहीं है, तो वो सीट, वो जो पर्ची है वो फट जाएगा। भैया आपके में तो कोई वार्ड में उसमें ST, SC, OBC है नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा, उसमें लिखे होंगे, देखो अगर SC, ST, OBC की जनसंख्या नहीं है तो आरक्षण से वो मुक्त हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? मान लो ST निकल गया पर्ची में, एक भी अगर ST होगा तो वो बिना चुनाव के जीत जाएगा, एक जन भी अगर ST रह रहा है, समझे नहीं, एक जन भी अगर वो रह रहा है तो मात्र उसको नाम पता भरना है, 25 रुपया देना है, कितना रुपया, 5, कितना रुपया है उसमें जी, पंच वाले में 500 है, 25 है, 25 रुपया देना है और वो निर्विरोध पंच बन जाएगा, है कि नहीं? एक भी अगर है तो वो निर्विरोध चुनाव जीतेगा, उसको सिर्फ खड़ा होना है। जमानत राशि कितना है पंच का? अरे हाँ, तो ST वाला है तो समझ आया? अब मेरे को लगता है समझ आ रहा होगा। आप भी देखते हैं जैसे गांव में कई कई जगह, मतलब अलग अलग वर्ग के लोग एक ही जगह रहते हैं, वैसे ही हर जगह रहते हैं कि एक वर्ग के लोग एक ही जगह, हाँ। अब इसमें तो पर्ची निकल रहा है, अब बाय चांस मान के चलो कि जहां एससी एससी का बाहुल्यता थी, जहां वहां पर्ची निकलने वाला क्या, और वहां सामान्य निकल गया, हाँ सामान्य निकल गया, उनके जो जनसंख्या है उसका प्रतिनिधि एक असामान्य कर रहा है, क्या हो गया? तो सामान्य में देखो, सामान्य निकला तो हर कोई खड़ा हो सकता है ना भाई, आप ये नहीं समझ रहे हो, सामान्य खड़ा, सामान्य पर्ची निकला है और यदि वहां ST SC की जनसंख्या ज्यादा है और उन लोग खुद ही नहीं खड़ा हो रहे हैं तो उनकी गलती है। अगर सामान्य समान लोग, 3 जन तिवारी जी खड़ा कॉम्पिटिशन हो रहा है तो भैया वो तुम जानो, तुम नहीं खड़े हुए हो, तुम्हारी गलती है, वहां कोई भी खड़ा हो सकता है ना,
समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो। टिकट अलग चीज है, ये समझ में आया कि नहीं? वो तो टिकट वाला सिस्टम इसमें नहीं है, वो आप चाहो तो आप भी चुनाव लड़ सकते हो, 21 वर्ष का ही होना चाहिए। पढ़े ना जी, कोई भी सरपंच बन सकता पंच और उस और टिकट वाला वो विधायक विधायक वाला सिस्टम है, ठीक है? वो भी टिकट विकेट कुछ नहीं होता है। जो जैसे बीजेपी है, बीजेपी यदि अपना किसी उम्मीदवार को सेलेक्ट करती है तो उसी को टिकट दे दिया बोलता है, और कुछ नहीं, ठीक है? ये समझ आया कि नहीं? आ गया? अगर वहां उस STSUBC की जनसंख्या बिल्कुल नहीं है तो वो क्षेत्र आरक्षण से मुक्त होगा, मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है, फिर कोई भी खड़ा हो सकता है ना? वहां सामान्य है तो तिवारी जी खड़ा होगा थोड़ी बोले, हाँ कोई भी खड़ा हो सकता है कि नहीं? अब देखो सुनो, अब हम लोग ये तो पंच की बात कर लिए, अब सरपंच का कैसे होगा इसको समझना है। अब सरपंच को कैसे STSUBC च्वाइस करेंगे? अभी तो अब तो पंच लोग को कर लिए, सरपंच भैया कैसे STSUBC होंगे इसको समझना है। नहीं समझा, फिर से बोलो। रुक जाओ एक वार्ड में पूरा एसटीएससी और बाकी में ओबीसी या जनरल। वार्ड से वार्ड में हम लोग जनसंख्या देख ही नहीं रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ। पहले अगर ये डिसाइड, ये समझ में आए, देखो इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमने ग्राम पंचायत का क्या देखा, जनसंख्या देखा, ठीक है? उसके बाद जैसे कि आप बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर वार्ड में पूरे का पूरा एसटीएससी है, ठीक है? सीट निकला, एसटी निकला तो एसटी वाला करेगा, एससी निकला तो एससी वाला करेगा, मान लो सामान्य निकला तो कोई भी कर सकता है, चार आदमी खड़ा हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? एक जन एसटी वाला खड़ा हो गया, एक जन एससी वाला, एक जन ओबीसी वाला खड़ा हो गया, एक जन जनरल वाला। जिसको आपको चुनाव लड़वाना है, जिताना है, आप जानोगे उसको, वहां की जनता जानेगी, नहीं समझे? दूसरे वार्ड का व्यक्ति दूसरे वार्ड में नहीं लड़ेगा, उसी वार्ड का व्यक्ति उसी वार्ड में लड़ेगा। समझ आ रहा है? हर एक वार्ड है, वार्ड में हर एक वार्ड से दूसरे का दूसरा नहीं लड़ेगा, हर एक वार्ड का हर एक वार्ड में। इस वार्ड से जैसे ये एक क्षेत्र है, इस वार्ड से है तो उसी वार्ड से लड़ेगा, इस वार्ड का है तो उसी वार्ड से। तो उसको देखना फिर, ठीक है? मेन क्या है, देखो मेन ये जो चीजें आप जो पूछ रहे हो ना, उसका लिखित में कुछ नहीं है। लिखित में यहाँ कहीं पास भी वाला आरक्षण में बताया क्या? सुन लो, आप जो बोल रहे हो ना वो लिखित में कहीं है क्या? लिखित में कहीं नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि अपने वार्ड से वो व्यक्ति इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसका जीतने का चांस ज्यादा रहता है, समझ आ रहा है? तो अपने लोगों के बीच में जीवन भर रह रहा है तो भैया मूल वोट दे यार, मैं तो घर के आजू बाजू बढ़िया, इस टाइप का वो संबंध बना लिया रहता है, इसलिए अधिकतर वो होता है कि अपने वार्ड में खड़ा होता है। लेकिन यहाँ कहीं भी, यहाँ बस ये है कि इतने लोग 20 होने चाहिए, STSC का आरक्षण होने चाहिए, इतना महिला होने चाहिए, इसके बाद उस 20 पर्टिकुलर ग्राम पंचायत में 20 खड़े होंगे आरक्षण के बेस में। कौन व्यक्ति कहाँ से खड़ा होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर वो व्यक्ति क्या होता है कि अपने वार्ड से इसलिए खड़ा होता है क्योंकि उसके जीतने का चांस ज्यादा रहता है अधिकतर। उसमें कहीं कोई रूल नहीं है, वो ऐसा कोई भी आरक्षण नहीं है कि वहीं से ही खड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी लिखा है क्या वैसा? कुछ भी नहीं है लिखित रूप में, कुछ नहीं, वो अनऑफिशियल वहां से खड़ा होता है, बात अलग, ठीक है? या दूसरे वार्ड से भी खड़ा हो, जब उसको लगता है कि यार ये बहुत सारे लोग यार इसी वार्ड से खड़ा हो रहे हैं तो दूसरे वार्ड से हो जाता है, ठीक है? वो लिखित रूप में कहीं भी नहीं है, लिखित रूप में कहीं भी है क्या यहाँ? इसको समझो जी, सरपंच को, ठीक है? समझ आ रहा है? सरपंच को समझो कि अगर सरपंच को कैसे आरक्षण मिलेगा इसको बताओ। अभी तो हम लोग किसको समझ लिए? पंच को समझ लिए, सरपंच को कैसे आरक्षण मिलेगा इसको समझते हैं, ठीक है? ठीक है, ये वाला समझ में अभी तक जितना बताया, जिस तरीके से आप बता रहे हो उस तरीके से आप ये ले लो कि कोई भी वार्ड से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ठीक है? वो भी डाउट क्लियर है, ठीक है ना?
अब देखो सरपंच क्या होगा, एक जनपद क्षेत्र है, जनपद पंचायत है, ठीक है, समझ आ रहा है। एक जनपद पंचायत में बहुत से क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं कि नहीं, होते हैं ना जी। ग्राम पंचायत से मिलकर के जनपद पंचायत बनेगा, लगभग 7 से 8 गांव होते हैं, ठीक है, तभी तो अपन वो चक्री क्रम में और वो सब सरपंच लोग को नहीं देखे थे 1/5, 1/5 वाला। तो यहां एक जनपद पंचायत में कितना ठो गांव, ग्राम पंचायत हो गया मान लो 6 हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 जगह ग्राम पंचायत है तो सरपंच कितने होंगे, 6 जन होंगे ना जी। हर एक ग्राम पंचायत में एक सरपंच, एक उप सरपंच और पंच, पंच का ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सरपंच का चुनाव होगा, सरपंच का आरक्षण कैसे होगा, जनपद पंचायत का जनसंख्या देखेंगे, जनपद पंचायत का कुल जनसंख्या देखेंगे, उस कुल जनसंख्या का मान करके चलो 30% एसटी हो गया, 10% उसमें भी एससी हो गया और 40 ओबीसी हो गया, सेम जैसे ये इसमें है, समझ आ रहा है, सेम। तो इसका 30% सरपंच क्या हो जाएंगे, समझ आ रहा है, जनसंख्या के आधार पर उसका भी आरक्षण। अब वो 30% कौन कौन से गांव के होंगे सर, तो फिर क्या करेगा कलेक्टर, समझ आया कि नहीं, नहीं आया। इस ग्राम पंचायत का जनसंख्या देखें, ग्राम पंचायत की जनसंख्या मिनिमम 50 है ना, और एक ग्राम पंचायत होने के लिए एक जनपद पंचायत बनेगा 50,000 में, मान लो 2-2 हजार जनसंख्या का, 2-2 हजार जनसंख्या वाला गांव है, तो 50,000 डिवाइड बाय 2,000 करो तो कितना ठो ग्राम पंचायत बनेगा, 25 बनेगा, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं जनपद पंचायत जो है कितना वार्ड, उसमें 10 से 25 होता है, ठीक है, लेकिन ये 25 नहीं है ना, ये तो ग्राम पंचायत का जनसंख्या हो गया है ना। और जनपद पंचायत क्षेत्र निकालने के लिए किसे डिवाइड करोगे, 5,000 से करेंगे, 5,000 से डिसाइड करेंगे, है कि नहीं। तो ये क्या निकल गया इसका, 25 जन को क्या होना था, यहाँ सरपंच बनना है, 25 तो ग्राम पंचायत आ गया, समझ आ गया ना। अब 25 जन क्या बनेंगे, यहाँ सरपंच बनेंगे। अब वो कौन सा क्या कैसे आरक्षण करना है, तो अब मान करके चलो अभी क्या निकाले 30%, तो इसका 30/100 करो, 25 × 100, ठीक है, और कितने में कटेगा ये, 4×7 = 28, लगभग 7 से 8 सरपंच क्या हो जाएंगे, एसटी हो जाएंगे। अब कौन से गांव का सरपंच एसटी होगा सर, तो फिर लॉटरी निकलेगा, 30 वो 25 जन गांव के लोग को बुलाएंगे, चलो जी 25 जन तुमन खड़े हो, लिखा रहेगा एक गांव फलाना गांव, सबका गांव का नाम लिखा रहेगा, या उस गांव का व्यक्ति आएगा और उसमें एसटी एससी कितना हो, 7 से 8 सीट चीट में लिखा रहेगा एसटी, ठीक, 2 से 3 में लिखा रहेगा 10% निकालो, 2 या 3 में लिखा रहेगा एससी, ठीक है, और इस तरीके से फिर वो होगा, समझ आया कि नहीं। सरपंच का समझ आया, अब उप सरपंच का कैसे होगा, यदि सरपंच आरक्षित है तो उप सरपंच, और यदि उप सरपंच अगर सरपंच अनारक्षित है तो सरपंच अगर आरक्षित है तो उप सरपंच कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सरपंच अनारक्षित है तो उप सरपंच हमेशा हो गया, अब आरक्षण कंप्लीट, ऐसा आरक्षण पढ़े ना जी। सरपंच यदि अनारक्षित है तो उप सरपंच हमेशा आरक्षित वर्ग का ही होगा। हाँ, इसमें भी एक तो कंडीशन है, ये आरक्षित है तो ये आरक्षित भी हो सकता है, और दोनों जगह तिवारी जी नहीं चुनाव लड़ सकते, समझ आ रहा है ना, दोनों जगह सामान्य नहीं हो सकता, भले दोनों जगह एसटी हो जाए, भले दोनों जगह ओबीसी हो जाए, भले दोनों जगह एसटी हो जाए चलेगा, लेकिन दोनों जगह तिवारी जी नहीं होना चाहिए, समझ
समझ आ रहा ना? ठीक है, समझ आया? ये हमेशा अनारक्षित है तो वो आरक्षित होगा, अगर ये आरक्षित है, ये आरक्षित है तो वो कोई भी हो सकता है। समझ आया? तीनों का आरक्षण कैसे क्या है, समझ आया? अब जनपद में कैसे होगा भाई, ये तो ग्राम पंचायत का हो गया, जनपद में भी सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रोसेस, जनपद में सेम टू सेम जनपद पंचायत जब क्षेत्र बनाएंगे ना, समझ आया? जनपद पंचायत क्षेत्र बनेगा तो सेम टू सेम, ठीक है। मान लो किसी जनपद पंचायत की जनसंख्या कितनी, 50,000 ले लो, 60,000 ले लेते हैं, मिनिमम 50,000 होना चाहिए ना, 60,000 ग्राम पंचायत की जनसंख्या, ठीक है। एक ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए कितना, तो कितने वार्ड बनेंगे वहां, 12 वार्ड, 10 से 25 के बीच में है, 12 जनपद क्षेत्र बनेगा। अब इस 12 क्षेत्र में देखेंगे कितना परसेंट एसटी लेना है भैया, देख लो, बताओ, कोई भी बता दो, 30% क्या बोले हो, एसटी, एससी 20, तो ये 50% या 50 से कम है तो ओबीसी को मिलेगा, 50 से कम है तो, 50 भी है तो भी, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा है तो केवल एसटी एससी को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको 10 ही ले लेते हैं, ये तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। और इसको ले लेते हैं क्या, 30 ले लो, बाकी बचा कितना परसेंट, 30%, तो 12 का 12 का कितना हो जाएगा, 30%, 12 का 30% निकालो ना जी, 12 का 30% कितना होगा, ऐसे निकालो, 3 6 18, तो 3 5 15 है ना, 3 से 4 सीट क्या होगा, एसटी होगा, 3 ले लेते हैं इसको, 10% मतलब कितना, 1.2, एक सीट ले लेते हैं, एक सीट क्या हो गया, एससी का हो गया, ये एसटी का हो गया, ये एससी का हो गया, ये 30% कितना हो गया, 3, तो ये 3 या 4 जो भी है, तो 4 4 8 हो गया, बचा 2 सीट किसका, अच्छा सॉरी, 4 4 8 4 होगा ना, 4 4 8 4 12 सीट हो गया, समझ आ रहा है, सेम सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम, जैसा ये समझाया हूं सेम टू सेम। बस जब आप जनपद पंचायत अध्यक्ष का जब आप देखेंगे, जैसे सरपंच का देखें, जब हम पंचायत देख रहे थे तो किसका जनसंख्या देखे, जनपद का, अब जब जनपद का देख रहे हैं तो किसका देखेंगे, जिला का, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, जिला का देखेंगे, उस जिले में 30% यदि एसटी है तो उस जिले के 30% जनपद क्षेत्र क्या हो जाएगा का अध्यक्ष, 30% अध्यक्ष क्या हो जाएगा, एसटी होगा। जैसे सरपंच का देखे ना जी, सरपंच में जनपद पंचायत क्षेत्र देखे, एक लेवल ऊपर को देखे, अब जनपद है तो जिला, जिला पंचायत क्षेत्र को देखना है, किसको देखना है, जिला पंचायत, उस पर्टिकुलर, जैसे कि अभी हम लोग देखे थे, जैसे कि एक जिला पंचायत क्षेत्र है, इस एक जिला पंचायत क्षेत्र में बहुत से क्या रहते हैं, जनपद रहते हैं, और हर एक जनपद में एक अध्यक्ष रहेगा, तो उस समय हमको जिला पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या देखना है, इस जनसंख्या के आधार पर इसका आरक्षण होगा, और यदि जिला पंचायत अध्यक्ष है तो पूरे राज्य की जनसंख्या को देखना है, पूरे राज्य की जनसंख्या में कितना एसटी है, 30% एसटी है हमारे छत्तीसगढ़ में जी, तो जिला पंचायत कितना है टोटल, अभी 27 बताया, तो 27 का 30 निकाल लो, 27 का 30% निकालो, सात से आठ कितना निकलेगा बताओ ना जी, इसको भी निकाल नहीं पा रहे, बताओ ना जी, कैलकुलेटर जो भी है, 8.1 हो रहा है पक्का, 27 81 होगा ना जी, सीधा सीधा 8.1 तो हो रहा है, तो 8 से 9 या 8 सीट क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, 8 सीट एसटी होगा,
जिला पंचायत अध्यक्ष का 8 सीट क्या होगा? एसटी होगा। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का 30% जनसंख्या क्या है? एसटी। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, अब समझ आया। एक लेवल ऊपर को देखेंगे, जब अध्यक्ष की बात करेंगे तो उससे एक लेवल ऊपर को देखते हैं। समझ आया सुशांत? नहीं आया? मान लो यदि किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा होगा तो सीधा इसको रट लेना है कि एसटीएससी की जनसंख्या कितना होना चाहिए? 50% से अधिक होनी चाहिए। यदि 50 से अधिक नहीं है तो यह समझने के लिए था, कभी पूछेगा नहीं इसको। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, नहीं समझ में आया तो रट लेना है। समझ आ रहा है? सेकंड ऑप्शन तो है ही अपने पास, नहीं बनेगा। सरपंच को करना है तो जिला पंचायत का क्षेत्र देखें, जनपद का क्षेत्र देखें। जनपद का अध्यक्ष को देखना है तो जिला पंचायत, जिला पंचायत को देखना है तो पूरे राज्य। बस खत्म। क्या नाम? हाँ समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? जब सरपंच को देख रहे थे तो हम लोग जनपद का क्षेत्र देखे ना जी। यहाँ सरपंच के बारे में बताया था, हटा दिया क्या? जब सरपंच के बारे में देख रहे थे, एक जनपद पंचायत क्षेत्र में 6 से 7 गांव आते हैं, ग्राम पंचायत आते हैं, जैसे 6 आ गया मान लो, तो 6 जो सरपंच बनना है, और इस जनपद पंचायत क्षेत्र में मान लो 30% क्या है भैया? एसटी है। तो उतने सरपंच क्या हो जाएंगे? एसटी हो जाएंगे। और यदि सरपंच आरक्षित है तो उप सरपंच, अगर सरपंच अनारक्षित है तो उप सरपंच हमेशा आरक्षित होना चाहिए। ठीक, तो ये पंच ऐसी सेम होगा। सेम अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष अगर अनारक्षित है तो उपाध्यक्ष, आरक्षित है तो अनारक्षित, अगर ये अनारक्षित है तो वो हमेशा हमेशा सेम जनपद और सेम चलेगा, सेम टू सेम आरक्षण बनेगा। एक दो बार इस वीडियो को देखना तो और हो समझ आएगा। ठीक है? ठीक है, चलो आरक्षण हो गया। अब चलते हैं सदस्य की योग्यता, सदस्य की योग्यता देख लेते हैं। जनपद पंचायत सदस्य की योग्यता, उम्र कितना? 21 वर्ष। दूसरा आपको याद रखना है कि उस पर्टिकुलर जनपद पंचायत क्षेत्र के, लिखो जनपद पंचायत क्षेत्र के किसी गांव के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। समझ आया? उस जनपद पंचायत, अभी देखेंगे एक तो जनपद पंचायत में बहुत सारा ग्राम पंचायत है, और किसी भी एक ग्राम पंचायत में मत, किसी भी एक गांव के ग्राम पंचायत में, किसी भी ग्राम पंचायत उस क्षेत्र के अंदर आने वाले किसी भी ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, बनेगा, याद रखना। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है और वो चुनाव लड़के जीत भी गया तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है? ठीक है, हाँ बोलो, कुछ बोले क्या? ग्राम पंचायत का कार्यकाल, जनपद पंचायत का कार्यकाल, जनपद पंचायत सदस्य का कार्यकाल, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। याद आ रहा होगा, देखो अब आसान होते जा रहा है। ग्राम पंचायत याद हुआ तो सब बन जाएगा, मैं बोला ना आरक्षण भी वैसे, ये सारी चीजें वैसी। ठीक है, प्रथम सम्मेलक सम्मेलन से 5 वर्ष। ठीक है, अवधि हो गया, अवधि या कार्यकाल। अब प्रथम बैठक देख लेते हैं,
प्रथम बैठक में क्या क्या होगा? तीन प्रकार का बैठक बताया हूँ, पहले बता दिया हूँ, जनपद जिला सारा चीज, ग्राम जनपद जिला तीनों बता दिया हूँ, प्रथम बैठक, सामान्य बैठक या मासिक बैठक और विशेष बैठक। संयुक्त बैठक नहीं होगा, संयुक्त बैठक ग्राम पंचायत में होता है, ठीक है ना? ठीक है, इतना व्यवस्थित रूप से पढ़ाया हूँ भैया, गलत नहीं कर देना, अरे पेपर दे के आना है तो बताना है। प्रथम बैठक कौन बुलाएगा भाई? सीईओ बुलाता है ना? प्रथम बैठक लिखिए नीचे, प्रथम बैठक रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर, रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत सीईओ के द्वारा प्रथम बैठक बुलाया जाता है, के द्वारा प्रथम बैठक बुलाया जाता है। क्या होगा इस प्रथम बैठक में? शपथ, सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है, सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, सारी चीजें सेम है, उसमें उप सरपंच का करते थे। सेम चीजें जो भी मैं बताया, जैसे कि अध्यक्ष वही सामान्य है तो उपाध्यक्ष हमेशा आरक्षित होगा, अध्यक्ष यदि अगर ये आरक्षित है तो यह हमेशा कोई भी हो सकता है, ठीक है? तो लिखने की जरूरत है तो लिख ले रहो, लिखना है तो यहां लिख ले रहो। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष, लिख ले रहो, यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष सामान्य वर्ग से निर्वाचित हुआ है तो उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग का ही होगा, और इसका उल्टा और इसके विपरीत लिख लेना, और लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का हो सकता है, इसके विपरीत है ना? अगर अध्यक्ष आरक्षित वर्ग का है तो उपाध्यक्ष किसी भी वर्ग का हो सकता है। नोट करके और चीज लिख लेना, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष या सदस्य भविष्य में यदि लोकसभा या विधानसभा या किसी सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति का, लोकसभा या राज्यसभा भी कर सकते हो, या इसी को संसद कर लेना, संसद करोगे तो ज्यादा सही, लोकसभा या राज्यसभा भी कर लेना है ना, लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा सहकारी समिति का सभापति, का सभापति या उपसभापति या सदस्य, सदस्य किसका? संसद का, संसद का या लोक या विधानसभा का सदस्य
ठीक है, लोकसभा राज्यसभा या विधानसभा का यदि सदस्य बन जाता है या किसी सहकारी समिति का सभापति या उपसभापति बनता बन जाता है तो उस दिन से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो उस तारीख से उसका पद रिक्त समझा जाएगा। समझ आया? यदि वो चुनाव लड़ लिया, जीत गया, जिस दिन से जीत गया उस दिन से वो उसका पद रिक्त समझा जाएगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। ठीक है, समझ आ रहा है? ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्य का। और इस कंडीशन में यदि वो अगर इसका पद रिक्त हो गया तो चुनाव 6 माह के भीतर, इस परिस्थिति में लिखो, पद रिक्त होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। नीचे लिखो। ठीक बनेगा? नेक्स्ट, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना, बैठक की सूचना सीईओ देगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। बैठक की सूचना जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी देगा। सामान्य बैठक है तो कितना दिन पूर्व? 7 दिन। और विशेष स्थिति में 7 दिन। इसमें भी लिख लो कि जब ये बैठक की सूचना देगा तो बैठक की तारीख समय स्थान भी उस पे बताएगा, जैसे कि, और हाँ, तारीख क्या क्या बताएगा? तारीख बताएगा, समय बताएगा, किस स्थान पर होना है ये बताएगा, और संबंधित विषय भी बताएगा। ठीक है, ठीक। तो इतना ही रखें क्या आज के लिए? कल हम लोग देखेंगे जनपद पंचायत की बैठक के लिए क्या कोरम होना चाहिए, ग्राम पंचायत के लिए क्या कोरम था, गण पूर्ति देखो ग्राम पंचायत 50% है ना, आधे लोग उपस्थित होंगे तब, इसका अलग है थोड़ा। ठीक है, वो सब बाद में बताऊंगा। ठीक है, बीच को वो सब क्वेश्चन मत पूछो। ठीक है, ये बना याद आएगा तो चलो आगे देखेंगे इसको फिर, है ना।